मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं कर पाऊंगी। भाई मुझे तुमसे उम्मीद हो या ना, लेकिन अपनी मोहब्बत से बहुत उम्मीद है। और मैं ये बात जानता हूं कि मेरी मोहब्बत एक दिन तुम्हारा दिल जरूर पिघलाएगी, ये मेरा यकीन है। ठीक है, बस उसको ज्यादा टीवी ना देखने दीजिएगा, थोड़ी देर बाद सुला दीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। वेलकम। बात हो गई मेरे घर पे रजिया से। शुक्र है सब ठीक है। अरसल सो गए हैं और मीरू टीवी देख रही है, कार्टून देख रही है। मुझे लगता है डॉक्टर 1 से 2 घंटे में माइन को डिस्चार्ज कर देगा। सच में? अल्लाह करे सही हो, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। इसलिए तो कॉफी लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपकी थकान उतरे। थैंक यू। मैं मर जाऊंगी लेकिन खाला के घर वापस नहीं जाऊंगी। क्या सोचने लगी? कहाँ हो? कहीं नहीं, आप यहाँ हैं तो मैं कहाँ हो सकती हूँ? यही हूँ आपके साथ। यार ये की ना खुश करने वाली बात। सच कहूँ, आज मैं भी थक गया हूँ। सोचा था संडे है, घर पे आराम करूंगा, सब कुछ उल्टा हो गया। I'm so sorry. नहीं, क्या हो गया? तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं है, तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? एक बात कहूँ? आप बहुत अच्छे हैं आरू। आप भी बहुत अच्छे हैं। मेरा घर का चौका इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा सुन, फीसा खाना से एक्सक्यूज किया? सच कहूं तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी, मैं आपको साथ ही भूल गई हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनसे बात कर लो, उनका दिल भी साफ हो जाए। अच्छा सुने, आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? माही तुम चल लोगी? ठीक है गाड़ी, थैंक यू। चले बेटा। खाला नहीं, माही मेरे साथ जाएगी मेरे घर पे। क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? माही हमारे साथ जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। माही मेरी मरी हुई बहन की निशानी है। बात ठीक है खाला, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अब माहिन को लेकर मजीद किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तो हमने ऐसा क्या कर दिया माही के साथ जो आप हम पे भरोसा नहीं कर सकती? जहां तक मैं जानता हूँ इतना कुछ बुरा किया नहीं हमने। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ माहिन को एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, वो बहुत कमजोर हो गई है। तो क्या मतलब हम इसका ख्याल नहीं रख सकते? क्या कहना चाहती हो तुम? अभी मुझे ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, हम चलें। हाँ हाँ हम चल रहे हैं। आई थिंक ये डिस्कशन हमें किसी और टाइम के लिए रख लेनी चाहिए, अभी हमें निकलना चाहिए, वैसे ही बहुत लेट हो गए। अगर आपको कोई इश्यू है तो फिर हम क्यों ना माहिन से ही पूछ लें वो कहाँ रहना चाहती है। माहिन आप ही बताओ, आप खाला के साथ जाना चाहती हैं या हमारे घर हमारे साथ रहना चाहती हैं? हाँ माही बताओ। तुम्हें याद है ना
चाचा ने क्या कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरा माहीन का ख्याल रखना। मुझे तो याद है, आप भी भूल गई थी शायद। क्या चल रहा है, मैं यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ। अगर यही सब होना था तो एटलीस्ट मुझे बता देते। मैंने कब से कैब खड़ी रखी, किराया तक दे दिया उसे। तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या मतलब किस लहजे में बात कर रहा हूँ? मुइज़ बेटा, आराम से। नहीं, आप देखिए तो तमाशा लगाया वो हॉस्पिटल में। ये रखो, किराए के पैसे जिसका कम खा रहे तुम्हें। चलो नायला। शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं है, या मेरी मोहब्बत तुम्हें इतनी कम हैसियत लगती है कि वो नायला की दौलत के सामने बेवकूफ है तुम्हारे लिए। समरा घर आ रहा हूँ, रास्ते में। अम्मी खाने पे आपका इंतजार कर रही हैं, कब से? समरा, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, और मुझे भूख नहीं, तुम लोग खाना खा लो, मेरा इंतजार मत करो। इस वक्त मैं किसी का भी सामना नहीं कर सकता, खुद अपना भी। लाए मुझे। अम्मी खाना लगा दूं? वो इसलिए आया ना। अम्मी, मैंने भाई को फोन किया था, उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ हैं, तो वहीं खाना खाएंगे, हम उनका इंतजार नहीं करें खाने पर। ना वो किसी दोस्त के साथ है और ना ही खाना खा के आएगा, बस उसका किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा आज। ऐसा क्या हुआ था नायला के घर? वरना मोहिस को इतनी जल्दी गुस्सा तो नहीं आता? बताया तो है तुम्हें कि माहीन ने क्या हरकत की है वहां। मैं तो दिली दिल में इतनी शर्मिंदा हुई कि क्या बताऊं तुम्हें, और हैरान भी कि इतनी जुरत कि इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। लेकिन अम्मी, आप तो उसे साथ लेकर आने के लिए गई थी ना, मैंने तो उसका रूम इतना अच्छा साफ किया था और इतनी अच्छी चादर बिछाई थी कि जैसी वो अपने कमरे में आएगी ना, बहुत खुश होगी। मुझे तो लगता है जैसे उसने गोलियां भी इसीलिए खाई कि वो मेरे साथ ना जा सके। जाहिर है नायला का इतना शानदार बंगला देखने के बाद हमारे इस गरीब खाने को क्यों मुंह लगाएगी। अम्मी, नायला आपी का बंगला इतना शानदार है। मोहब्बत से ज्यादा दौलत में ताकत होती है बेटा, और जिस उम्र में माहीन है उसमें ये ताकत बहुत असर रखती है। तुम लगाओ खाना हमारे। जी अम्मी। वो एक लम्हे के लिए ना खुद को मेरी जगह पर रखकर देखो,
अचानक से तुम्हारी जिंदगी का इकलौता रिश्ता तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, तुम्हें अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में रहना पड़े, कैसा लगेगा तुम्हें? और मैं कितना गलत सोचता रहा तुम्हारे बारे में। तुम इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। कैसी गुजरी रात? ठीक। नींद आ गई थी? नहीं। ठीक नहीं है तो? नहीं ठीक है। कल रात तुमने कुछ कहे बगैर फोन बंद कर दिया, मैं सारी रात सो नहीं सका। क्यों? भाई मुझे लगता है मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का वैसे ख्याल नहीं रखा जैसे रखना चाहिए। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हम इंसान एग्जैक्टली नहीं फील कर सकते कि दूसरा बंदा क्या महसूस कर रहा है। अब मुझे नायला आप ही बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। आप ही? हाँ माही, इस तरह अचानक अंदर आ गई हो, सब खैरियत है? सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके। क्या हुआ, कोई कुछ जरूरी काम है? वो नीरव कह रही थी कि उसका पार्क जाने का दिल कर रहा है, तो मैं उसे ले जाऊं? नहीं माही, रात को बच्चों को इस तरह बाहर लेके जाना ठीक नहीं है। वैसे भी हारून बुरा मानते हैं इन बातों का, तो आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया है। ओके माही, माइंड कर लिया। मैंने मीरू को बाहर ले जाने को मना किया है, ये बुरा लगा है? थक सी गई हूँ घर बैठ बैठ के। मीरव ने बाहर जाने का कहा तो मैंने सोचा चलो मेरा भी दिल अच्छा हो जाएगा। माही, मीरू तो छोटी बच्ची है, वो तो कुछ भी कहेगी। उसके वैसे भी अभी ट्यूटर के आने का टाइम है, तो वैसे भी बाहर नहीं जा सकती। I hope you understand. Why? आप फरागत में अगर दिल घबराता है तो कोई मशगला ढूंढ लो, या किचन में बुआ के साथ हाथ बटा लिया करो, कोई नई डिश ट्राई कर लो, हो सकता है कि तुम्हें कोई मसरूफियत मिल जाए। ओके।